आज हम बात करेंगे कि आईटीआई का सिलेबस क्या होता है। आईटीआई के बारे में कुछ जानेंगे कि क्या सिलेबस है आईटीआई। तो दोस्तों आईटीआई क्या, सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन आता है आईटीआई क्या है। तो आईटीआई हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। इसमें क्या होता है, काफ़ी ट्रेड, इसमें क्या है दोस्तों काफ़ी ट्रेड, हर ट्रेड का अलग अलग सिस्टम होता है। कुछ ट्रेड आठवीं पास होती है और कुछ ट्रेड दसवीं पास। आपको आईटीआई करने के लिए आठवीं पास या दसवीं पास होना अनिवार्य है। तो हमारे दोस्तों क्या है, आईटीआई में पांच सब्जेक्ट आते हैं। कितने सब्जेक्ट आते हैं, पांच। पांच में पहली सब्जेक्ट है हमारी ट्रेड थ्योरी, दूसरी है हमारी डब्ल्यू, तीसरी है हमारी ईडी और चौथी होती है हमारी प्रैक्टिकल और पांचवी होती है हमारी ईएस। सबसे पहले हम बात करें ट्रेड थ्योरी। तो ट्रेड थ्योरी के अंदर हमारा क्या होता है, सबसे पहले सिखाते हैं हमें काम करने का तरीका कि काम करने की क्या क्या विधियां हैं, किसी भी तरह के काम को कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि जैसे भाई कोई मोटर है उसको चला रहे हैं 250 वोल्ट के लिए 20 चक्कर काट रहे हैं तो उसकी क्या आवृत्ति होगी, कुछ ऐसे क्वेश्चन तथा बेसिक्स हमारी ट्रेड के बारे में जानकारी। और हमें किसी भी काम को करने के क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, ये चीज़ें हमें थ्योरी के अंदर सारा डाटा मिलेगा कि भाई किसी काम को कैसे किया जाता है, उस काम को कैसे करें, करने के बाद उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें काम मिलेगी थ्योरी के। उसके बाद में हमारी जो सब्जेक्ट आती है उसके अंदर है डब्ल्यू सी होती है वर्क ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। कि इसमें हमें क्या चीज मिलती है, मैथ और साइंस। क्या मिलती है, मैथ और साइंस, इसके अंदर मिलेगी हमें मैथ और साइंस। मैथ और साइंस में इसके बेसिक नॉलेज दी जाती है। ईडी मैथ है, ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, ड्राइंग है कि वह एक ऐसी चित्र भाषा है जो विभिन्न मशीन किसी भवन सड़क आदि को एक विभिन्न रेखाओं तथा बिंदुओं के माध्यम से छोटे से कागज पर दर्शाना ही ड्राइंग कहलाता है। हमें ड्राइंग में क्या मिलता है, ड्राइंग में हमारे नक्शे, ड्राइंग में नक्शे मिलेंगे, ड्राइंग को समझने के तरीके मिलेंगे कि ड्राइंग को कैसे समझाया जाता है, ड्राइंग को सिंबल से कैसे समझें, किसी भी आकृति को एक छोटे से चिन्ह से कैसे समझाएं, ये चीज हमें कहाँ मिलेगी पढ़ने को, ड्राइंग में। नेक्स्ट है हमारी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के अंदर हमें मिलता है कि किसी भी काम को करने का तरीका, कि किसी काम को कैसे किया जाता है, उस काम को हम कैसे करेंगे, करना सिखाया जाता है, लैब की जानकारी दी जाती है कि कोई भी काम करना है तो कैसे, तो उस काम को करेंगे, क्या क्या हम औजार लेंगे, क्या क्या उपकरण लेंगे, उस काम को करने की प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज़ें हमारी होती है ट्रेड प्रैक्टिकल के। तो नेक्स्ट होती है हमारी ईएस, इसमें सिखाया जाता है काम करना। और नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट ईएस। ईएस हमारे ईएस के तीन पार्ट होते हैं, अंग्रेजी ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और कम्युनिकेशन। इसमें हमें तीन चीज सिखाई जाती है, एक तो इंग्लिश, दूसरा सिखाया जाता है हमें कंप्यूटर और तीसरा सिखाया जाता है हमें कम्युनिकेशन स्किल। यानी कि हमारा जो काम करने का तरीका है क्या है, क्या तरीका है, कल वो कंपनी में जाएंगे किस तरीके से रहेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी। तो दोस्तों हमें जो आईटीआई का सिलेबस हमारा यह होता है, ये पांच सब्जेक्ट होती है, इन पांचों में से एक आपका ग्रेड जो प्रैक्टिकल है, इसका एग्जाम होता है ऑफलाइन और वो अलग होता है। और जबकि ये चारों सब्जेक्ट का आजकल एक ही पेपर होता है एमसीक्यू टेस्ट जो होता है हमारा सीबी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट।